हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये मेरी बेटी का बेटा है। जस्ट 1 मंथ अभी हुए हैं इसको। बेटी आई हुई थी तो सोचा आप लोग के साथ भी इसको शेयर करूं। आप लोग अपना इसको आशीर्वाद दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा बाबू कैसा है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरे चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 3-4 दिनों से मैंने कोई वीडियो पब्लिश नहीं की, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, इस वजह से नहीं पब्लिश हो पाया। और आज की जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो मॉर्निंग टू आफ्टरनून का है। और इसमें मैंने बेडरूम ऑर्गेनाइजेशन और बाथरूम क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूं तो उसकी फीचर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैं मॉर्निंग की चाय पीने के बाद और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और आज नाश्ते में मैं पूड़ियाँ और सब्जी, आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी मैंने बना ली है और यहाँ मैं पूड़ियों को तल रही हूँ। आज मुझे अपने दूसरे बेडरूम की और बाथरूम क्लीनिंग की डीप क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए मैं नाश्ता पहले ही कर लूँगी। उसके बाद बाकी जो काम है बाथरूम क्लीनिंग और बेडरूम ऑर्गेनाइज में उसको करूँगी। यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं, उनका पहले ही मैंने उनको नाश्ता दे दिया था। और इसके बाद मैं और बाबू बैठे हैं खाने। बाबू की भी आज छुट्टी थी तो सोचा बाबू की भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। वैसे डीप क्लीनिंग करने में अगर आप घर के सदस्य का थोड़ा हेल्प लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अकेले करने से इंसान जो है वो थक जाता है और फिर नेक्स्ट डे जो होता है वो उसे दिक्कत होने लगती है। तो कोशिश यही करें कि जब भी कोई डीप क्लीनिंग करें तो घर में जो भी व्यक्ति हैं वो उनका सहयोग लें और छुट्टी के दिन डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। के बाद मैं दूसरे रूम को मैंने आज ऑर्गेनाइज किया। चादर वगैरह मैंने निकाल लिया है और मशीन लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने नई बेडशीट को बिछा दिया है। मैं बेडशीट 2 बिछाती हूँ, एक जो गद्दे हैं उसके नीचे, एक पुरानी चादर जो रहती है
उसको बिछाती हूँ और उसके बाद फिर उस पर नई चादर बिछाती हूँ। इससे होता है जो गद्दे होते हैं वो गंदे नहीं होते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। इसके बाद मैं ये बाथरूम क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग था इसका, बहुत दिन से ये मेरा डीप क्लीनिंग का मैं सोच रही थी, लेकिन आज फाइनली मैंने इसको कर दिया। और बीच में मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब था तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, तो सोचा आज मैं इसको डीप क्लीनिंग कर ही दूँ। क्योंकि ये जो ड्राइंग रूम से अटैच है वो वाली वॉशरूम है, और हम एक और वॉशरूम है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये मैं पूरी जो है उसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे क्लीनिंग मेरी हो गई है डन, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गए हैं। मैं महीने में इसको वीकली तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं मंथली में एक बार जो डीप क्लीनिंग है उसको मैं करती हूँ। यहाँ पे मैं ना शावर लेने के बाद पैरों में गुलाब जल और ग्लिसरीन को ऐड करके पैरों में अपने लगा रही हूँ, क्योंकि इससे होता है कि पैर जो होते हैं एकदम चिकने होते हैं और जो भी मॉइस्चराइज हमेशा रहता है, और ऐसा करने से पैर जो हमेशा मुलायम रहते हैं। ये एक प्रकार का टिप्स ही है। ये रही मेरी शादी की कुछ तस्वीरें जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और बिजी होने के कारण मैं इस बार ज़्यादा भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी है, और आई होप आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू। बाय बाय।